नमस्ते दोस्तों, द येलो किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपने येलो किचन में बनाने वाले हैं अमरूद का पापड़, जिसे हम गुआवा चीज़ भी कहते हैं और गुआवा कैंडी भी कहते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल का बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि मेरा नया नया रेसिपी आप तक आसानी से पहुँच सके। तो दोस्तों, गुआवा कैंडी बना रहे हैं, तो जाहिर है इसके लिए हम पेरू लेंगे। यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के अमरूद लिए हैं, जिसे हम पेरू भी कहते हैं। इसके हम पहले इसके आँखों को निकाल देंगे, उसके बाद इसके हम छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। दोस्तों, ध्यान रखें पेरू कहीं से सड़ा गला ना हो, नहीं तो पूरा कैंडी का टेस्ट बिगड़ जाता है। और ये जिस पेरू के ऊपर जो धब्बे दिख रहे हैं, वो पत्तों के धब्बे हैं, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों। तो इस तरह से हम थोड़े बड़े साइज़ के टुकड़े हम कट कर लेंगे और एक बर्तन में हम रख लेंगे। अब हम इसे स्टीम में पकाएंगे, डायरेक्ट पानी में डुबा करके हमें इसे नहीं पकाना। स्टीम में पकाने के लिए मैंने क्या किया, कुकर में एक कटोरी पानी डाल दिया है, उसके ऊपर एक ढक्कन रख के बाद में जो भगोने में हमने छोटे से भगोने में हमने पेरू कट करके रखा था, वो मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैं इसे स्टीम दूंगी। आप इसे एक झरने में रख करके भी नीचे से भाप दे सकते हैं, या इडली स्टैंड में भी रख करके भाप दे सकते हैं। तो लीजिए, हमारा गुआवा जो है एक सीटी मैंने इसमें ले लिया और अच्छी तरह से ये पक चुका है। अब मैं इसे ठंडा होने के लिए रख दूंगी। दोस्तों, ठंडा हो गया है। देखिए, हमारा गुआवा का जो हमने स्टीम किया था, वो एकदम पूरी तरह से ठंडा हो गया है। अब मैं इसे मिक्सर जार में डालूंगी और इसका एकदम बारीक पेस्ट हमें तैयार करना है। तो लीजिए, बारीक पेस्ट भी तैयार करके हो गया है दोस्तों। अब हमें इसे छन्नक से छानना है। छानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि गुआवा के अंदर जो बीज होते हैं, वो बहुत ही हार्ड होते हैं, वो दांत खाते समय दांतों में लगेंगे तो अच्छा नहीं लगता है। तो हमें इसे अच्छी तरह से छान लेना है, पानी बिल्कुल नहीं डालना है, थोड़ा पेशेंस रख के इसे धीरे धीरे हमें छन्नक से छान लेना है। नीचे की तरफ छन्नी में जो पल्प आएगा, उसे भी हम चम्मच से निकाल लेंगे। तो चलिए, छान करके रेडी हो गया है। अब छाने हुए पल्प को मैं एक मेजरिंग कप में से माप के डालूंगी। यहाँ मैंने एक कप पूरा मेरा भर गया, यानी कि 250 ग्राम, क्योंकि ये मेरा 250 ग्राम का कप है। यहाँ मैंने माप लिया तो ये हो गया हमारा 250 ग्राम यानी एक कप। और जो पेरू का पल्प जो है वो बाउल में लगा था, उसे भी मैंने हाथों से निकाल लिया। और कप में भी कुछ पल्प जो है लगे रह गए हैं, उसे भी मैंने हाथों से निकाल लिया दोस्तों। अब मैं इसमें एक कप भर के चीनी डालूंगी, और हमारा एक कप गुआवा का पल्प था तो मैंने एक कप चीनी डाला, यानी कि 250 ग्राम। अब हमें इसे अच्छी तरह से मिला लेना है चमचे से, और जब जैसे शुगर हमारा पिघलने लगे, तब तक हमें इस कंटिन्यूस चलाते रहना है। अगर आप ऐसे तेज़ आंच पे छोड़ देंगे तो ये नीचे से पकड़ जल जाएगा और इसका टेस्ट एकदम बिगड़ जाएगा दोस्तों। तो हमें मीडियम फ्लेम पे इसे कंटिन्यूस चलाते रहना है। यहाँ मैं येलो कलर फूड कलर है उसको यूज़ कर रही हूँ, येलो कलर का। आप इसमें रेड भी डाल सकते हैं, ग्रीन भी डाल सकते हैं, आपको जो फूड कलर पसंद हो वो आप यूज़ करिए। इसमें मैंने 1/4 चम्मच इलायची पाउडर डाल दिया। इलायची पाउडर से गुआवा कैंडी का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा और बहुत ही टेस्टी बनेगा। जब तक हमारा पल पक रहा है, चलिए हम जमाने के लिए ट्रे तैयार कर लेते हैं। यहाँ मेरे पास बर्फ़ी का ट्रे है, उसको मैं घी से थोड़ा सा ग्रीसिंग कर ले रही हूँ। अब गुआ के जो पल्प हमारे पक रहे हैं, उसमें मैं 1 चम्मच अनसाल्टेड बटर डाल रही हूँ। आप इसकी जगह पे घी भी डाल सकते हैं, यहाँ मैं बटर का यूज़ कर रही हूँ दोस्तों। अब हमें इसे कंटिन्यूस चलाते हुए पकाना है। इसमें मैं 1/4 चम्मच यहाँ पे नींबू का रस डाल रही हूँ, उससे हमारा जो है शुगर क्रिस्टलाइज नहीं होगा और एकदम बहुत ही सॉफ्ट हमारा कैंडी बनकर तैयार होगा दोस्तों। तो इसे चलाते हुए हमें 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए हम ज़रा टेस्ट कर लेते हैं कि हम इसे अभी ट्रे में जमा सकते हैं कि नहीं। टेस्ट करने के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ प्लेट में थोड़ा सा मैंने मिक्सर निकाला है, उसे मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी। ठंडा होने के बाद हम चेक करेंगे कि ये अच्छे से जम रहा है कि नहीं, लेकिन अभी तक ये अच्छे से जम नहीं रहा है, हाथों में चिपक रहा है। तो दोस्तों, 1 से 2 मिनट तक हम इसे मीडियम फ्लेम पर फिर से अच्छी तरह से पकाएँगे। तो कढ़ाई के तले को जो है हमारा जो गुआवा का पेस्ट है, वो तले को छोड़ दे रहा है, इसका मतलब ये जमने के कंसिस्टेंसी पे आ गया है। तो ज़रा फिर से चलिए चेक कर लेते हैं। फिर से मैंने ट्रे प्लेट में थोड़ा सा मिक्सर निकाला और हाथों में थोड़ा सा पानी लगा करके मैंने इसे किया, मतलब हाथों से चेक किया, तो अच्छी तरह से गोली तैयार हो रही है। इसका मतलब हमारा जो है ये पेस्ट रेडी हो गया है जमने के लिए। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे अब हम चलते हैं ट्रे में जमाने के लिए ले चलते हैं। यहाँ ट्रे में ग्रीसिंग करके हम पहले से रख दिए थे, उसमें सारे मिक्सचर को मैं पलट लूँगी दोस्तों। अब हम इसे जो है एक जैसा
इवनली हम इसे ट्रे में अच्छी तरह से फैला देंगे। देखिए इस तरह से फैला देना है हमें दोस्तों। दोस्तों गुआवा कैंडी जो होती है बहुत ही टेस्टी होती है, साथ में बहुत हेल्दी भी होती है। पेरू का सीजन है आ गया है तो आप ज़रूर इसे बनाइए और इसे बनाकर आप 15 से 20 दिन तक आसानी से खा सकते हैं दोस्तों। अब देखिए मैंने इसे ट्रे में अच्छी तरह से फैला दिया है, इसके ऊपर मैं अभी ही कट का निशान लगा दूंगी, उसके बाद ठंडा होने के लिए रखूंगी। तो आप अपने मन चाहे आकार का इस पर कट कर लीजिए। तो मैं यहाँ स्क्वायर शेप में कट कर रही हूँ दोस्तों। अब मैं इसे ठंडा होने के लिए 2 से 2.5 घंटे के लिए रख दूंगी। 2 से 2.5 घंटे बाद हम देखेंगे हमारा जो है गुआवा का पेस्ट एकदम अच्छी तरह से सेट हो गया है। जो हम कट के निशान पहले लगाए थे उस पर हम फिर से कट करेंगे एकदम तले तक, और निकाल के मैं आपको दिखा रही हूँ कैंडी को। देखिए बहुत ही अच्छा बना हुआ है, बहुत ही च्यूवी, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी बना हुआ है दोस्तों। आप ज़रूर इसे ट्राई करिए और अपना अनुभव मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपका गुआवा कैंडी कैसा बना है। और दोस्तों आप इस गुआवा कैंडी को इस बार घर में बनाइए, खाइए, खिलाइए। लेकिन अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब का बटन दबा के बगल का बेल आइकन भी फटाफट प्रेस कर दीजिए।